हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश, आप सभी का आप सभी के परिवार एसएम राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्वागत करता हूँ। आप लोग पढ़े सबसे स्मार्ट कौन, और आज मदर डे है, ठीक है, 10 मई है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपनी माताओं को विश किया होगा, है कि नहीं? तो एक बार अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, ठीक है, और क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें पिछले रविवार के, ठीक है, पिछले रविवार में कौन क्या कमेंट किया था ये जानेंगे। तो सबसे स्मार्ट का ही कमेंट है, ठीक है, सबसे स्मार्ट कौन का जो दूसरा भाग था, ठीक है, उसमें सानू मौर्य, ये एसएम ट्रांसलेशन का है, ठीक है, एसएम ट्रांसलेशन पर सानू मौर्य और अलका ने कमेंट किया है। पहले क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ऐसा कब होता है घड़ी में कि जितना बजने वाला रहता है उतना ही मिनट कम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 4:55, ठीक है, लेकिन सानू मौर्य और अलका ने मिलकर इसका 6 बजे कमेंट किया, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। गोविंद जेस बस्ती ने 5:05 कम, बिल्कुल इनका सही है। टाइटल सीरीज ने किया है 4:55, ठीक है, और एसएम राष्ट्रीय नवोदय पर कमेंट गोविंद जेस बस्ती ने इसमें भी किया है 5:05 कम। टाइटल सीरीज जी ने भी इसमें किया है कमेंट 4:55, और गोविंद मस्ती ने भी 5:05 कम ही कमेंट किया, ठीक है। तो ये थे कुछ कमेंट। अब आज का सेशन चालू करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में क्या अलग है, ठीक है, निम्नलिखित में क्या अलग है। पहला ऑप्शन है कबूतर, दूसरा खरगोश, तीसरा कौवा, चौथा मोर, ठीक है। अगर इनको ध्यान से देखा जाए, अपना आंसर कमेंट में बताएं क्या इसका हो सकता है, ठीक है, कमेंट में बताएं। पहला कबूतर, दूसरा खरगोश, तीसरा कौवा और चौथा मोर। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो तीन जो चीजें हैं वो एक कैटेगरी के हैं, बाकी एक अलग है, ठीक है, बिल्कुल बहुत सही, खरगोश, ठीक है, क्योंकि खरगोश एक पक्षी नहीं है, ठीक है, कौवा कबूतर मोर पक्षी है लेकिन खरगोश पक्षी नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का अगर देखा जाए, पहले क्वेश्चन का, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये अलग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन में है चीन, दूसरा अमेरिका, ठीक है, पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा भारत। अगर इंग्लिश में बात करें तो चाइना, अमेरिका, रसिया माफ कीजिएगा, एंड इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रहे, तो कौन सा देश है, कमेंट अपना आंसर बताएं सभी लोग, बिल्कुल जल्दी कीजिए, ठीक है। तो दूसरे का बिल्कुल बहुत सही, रूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूस, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन, ठीक है, हाँ तीसरा ऑप्शन है इसका, बिल्कुल सही, रूस ही सबसे बड़ा मुल्क, ठीक है, पहले पायदान पे। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक है। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको आप लोग जरूर करेंगे, उम्मीद है आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में बड़ा कौन सा है, निम्नलिखित में बड़ा कौन सा है, -8² -5² 7² 2², ठीक है, ये ऑप्शन वाइज है, यानी पहला ऑप्शन है -8², दूसरा -5 और तीसरा 7, चौथा 2², ठीक है। तो एक बार आप लोग जरूर इसको करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा है जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है, ठीक है। आप लोग अपने घरों में ही रहें, ठीक है, क्योंकि घरों में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे और अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, धुलेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो इस कोरोना महामारी को हम लोग फैलने से रोक सकते हैं। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, आप लोग हैं समझदार, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मदर डे स्पेशल चल रहा है सबसे स्मार्ट कौन, ठीक है, अभी इसमें हम लास्ट में क्वेश्चन देंगे, ठीक है, मदर डे स्पेशल ही है जिसे आप लोगों को अगले संडे को बताना रहेगा, मतलब कमेंट में कर देना है
सोमवार से शनिवार के बीच में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना है, फिर हम रविवार को उन लोगों का नाम लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने हल किया है, निम्नलिखित में बड़ा कौन है, ठीक है, यानी माइनस 8 का स्क्वायर बड़ा कि माइनस 5 का, 7 का स्क्वायर कि 2 का स्क्वायर। तो इसमें अगर देखा जाए तो माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए माइनस 8 का स्क्वायर मतलब होता है दो बार, माइनस 8 गुणे माइनस 8, ठीक है। अब माइनस माइनस का अगर बात हो तो माइनस माइनस का होता है प्लस, ठीक है, प्लस 8 अठाए 64 यानी 8 8 64, ये हो गया, ये इसको ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर वही बात करें माइनस 5 का स्क्वायर तो इसका हो जाएगा 25, ठीक है, वही 7 का स्क्वायर का बात करें तो इसका 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो आप लोग देख के समझ सकते हैं कि माइनस 8 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अगर बात करें, ठीक है, कह रहा है चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है पूरी, माफ कीजिएगा, घड़ी का कुल कितना अंश होता है, पूरे घड़ी का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना अंश होता है ये कह रहा है, ठीक है, पूरी माफ कीजिएगा घड़ी का कुल अंश, ठीक है, कितना होता है, या फिर कह सकते हैं जो मतलब पूरा क्षेत्र है घड़ी का वो कितना अंश या डिग्री होता है, ठीक है। इसमें दिया है पहला 360, दूसरा 180, तीसरा 90, ठीक है, 90 दिया है, और चौथा जो है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता ये कह रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर बताएं आप लोग जल्दी, ठीक है, इसका आंसर जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है, हाँ। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, यानी घड़ी का कुल कितना अंश होता है यानी डिग्री का बात हो रहा है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 360, ठीक है, यानी इसका आंसर 360 होगा। आप लोगों को अगर देखा जाए घड़ी एक सर्कल के रूप में घूमती है, ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, अंश का बात किया जाए तो 360 अंश होता है, ठीक है, या डिग्री भी कहते कोई कोई, तो ये 360 होगा क्योंकि घड़ी जो है गोल दिशा में घूमती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, चौथे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। सभी स्टूडेंट जरूर क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, आज मदर डे है तो उम्मीद है आप लोग अपनी माताओं को विश किए होंगे, ठीक है। देखिए इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो स्त्री जाति का सम्मान करे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, सबका सम्मान करना आपका दायित्व है, आपका अधिकार है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक समझदार इंसान का पहचान उसके समझदारी वाली बातों से ही नहीं बल्कि उसके संस्कारों से भी होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अपनी माताओं को विश किए होंगे, आज है कि नहीं, आज 10 मई है, ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन का बात करें हम लोग, कह रहा एक कमरे में कितने कोने होते हैं, ठीक है, आप लोग कमरे में ही रहते होंगे, आपके घर में बहुत सारे कमरे होंगे, तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, कह रहा है एक कमरे में, ठीक है, एक कमरे में कितने कोने होते हैं, ठीक है, पहला है 8, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 12, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों के स्क्रीन पर। तो आप लोग एक बार अपने कमरे में नजर दौड़ाएं और कोना गिन के बताएं, ठीक है, कॉर्नर को गिन के बताएं कितना है, क्या ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है, गिन लीजिए जल्दी से, अगर आप कमरे में नहीं है तो जाके कमरे में गिन लीजिए, या फिर वैसे दिमाग लगाइए क्योंकि ये स्मार्ट का जोन है तो इसको आप लोगों को दिमाग लगाना ही चाहिए, है कि नहीं, हाँ। तो हाँ बिल्कुल बहुत सही, शानदार, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, क्योंकि एक कमरा जो होता है घन की तरह होता है, ठीक है, घन की तरह होता है, उसकी जो होती है 4 दीवारें होती हैं और 4 दीवारों से 8 कोने बन जाते हैं, ठीक है, 8 कोने, नीचे भी तो कोना होता है ऊपर भी कोना होता है कि नहीं, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। पांचवे का क्या हो जाएगा, पांचवे का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। छठा क्वेश्चन को देख ले, अगर आज 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन का,
एक रुमाल का एक कोना काट दें तो कितना कोना बचेगा, ठीक है, कितना कोना बचेगा। ऑप्शन में क्या कह रहा, ऑप्शन में है, ऑप्शन में 3 है, ठीक है, 5 है, 4 है, ठीक है, और 6 है, और निर्धारित नहीं, माफ कीजिएगा, बस इतना है, ठीक है। यानी कि 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है, तो कितना कोना बचेगा, ठीक है। आप लोग बताइए, एक रुमाल का एक कोना काट दे तो कितना कोना बचेगा। अगर यहाँ पर हम बोर्ड पे आप लोगों को दिखाएं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैं अगर एक रुमाल बना दूं, ठीक है, रुमाल इस प्रकार का होता है, अगर इसका एक कोना काट दें तो कितना कोना बचेगा, आप लोग बताइए। जी बिल्कुल जी, तो बिल्कुल बहुत सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, यानी छठा का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो ये जो होता है, ठीक है, 5 बचेगा, कैसे, 1 हो गया, 2, और ये 3, ये 4, और ये 5, ठीक है, कोना काटने से कोना बढ़ता है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये था, ठीक है, इसका आंसर, यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब होमवर्क की बारी, यहां तक समझ में आया, क्लियर है, होमवर्क का बारी है, कह रहा है ये, ठीक है, मदर डे स्पेशल है, 2 बेटी और 2 माँ है, ठीक है, 2 बेटी है और 2 माँ है, तो उनमें, ठीक है, तो उनमें 3 रोटी को कैसे पूरा पूरा बांटा जा सकता है, ठीक है, कैसे पूरा पूरा बांटा जा सकता है, ठीक है, पूरा पूरा बांटा जा सकता है, ठीक है, यानी क्लियर है, 2 माँ और 2 बेटी हैं उनमें, ठीक है, 3 रोटियों को कैसे पूरा पूरा बांटा जा सकता है, इससे आप अपने कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इसका जो भी कमेंट करेगा उसको हम अगले रविवार को उसका कमेंट बताएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग अपनी माताओं से अभी विश नहीं किए होंगे तो कर दीजिए जाकर, ठीक है, फिलहाल क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें, जो हमारे चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड गुड नाइट।